किले पर जाकर के अपना खाना पानी दाना का व्यवस्था करने लगे। और जब हमारे समाधान निशान लोचन साहब की अगुवाई में जो नाविक थे, बगल में गांव है, उसी गांव में जाते हैं और कहते हैं हम आपके ब्रदर के हैं, हम आपके जात ब्रदर के हैं और हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं, आज हमको यहाँ रहने का जगह दीजिए। जीता गांव वाले ने पूछा आज तुम लोग आए क्यों है, उन्होंने कहा हम अंग्रेजों को अपने नाव में बैठा के लेकर के आए हैं। अंग्रेजों ने कहा तुम अंग्रेजों की सेवा कर रहे हो, तुम दलाली कर रहे हो, ये हमारे हराम खोर दलाल हमारे देश को लूट कर लेकर जा रहे हैं और हमारे बहन बेटी की इज्जत अपने टूटे तले रहते हैं, समाज के होने को नाते उनको बेचारा पानी दिया जा रहा है, अगर दोबारा आओगे तुम उल्टा लटका दिया जाओगे। वो हराम खोर हमारे देश से किया महाराज गुलाम निजाद के किले पे उतरे हुए हैं। समाधान निषाद मेजर निषाद ने कहा अरे भाई आप लोग क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो क्यों, हमारे पास महाराज गुलाम निषाद का किला है और किला नहीं है। समाधान निषाद मेजर निषाद ने कहा हमारे भी वंश में राजा, हमारे भी वंश में महाराजा थे, हमको पाल मालूम नहीं था, अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, आज हम गुलाम है, आने वाला बच्चा हमारा गुलाम होगा, आने वाला हमारा पीढ़ी गुलाम होगा। साथियों समाधान निशान लोचन सोचते हैं अभी अंग्रेजों को, हम इस देश के मालिक थे और आज गुलाम बने हुए हैं, अभी अंग्रेज गद्दारों को कलकत्ता नहीं पहुंचाना है, किसे का सीधे कहां पहुंचाना है, शमशान घाट पहुंचाना है। साथियों वही किले पे कसम खाते हैं, कसम खाने के बाद समाधान निशान सोचते हैं अगर नदी में पानी कम है, नदी में पानी कम है, अगर अभी इनको मारेंगे तो सारे अंग्रेज सिपाही बच जाएंगे, इनको योजनाबद्ध तरीके से मारा जाए, योजनाबद्ध तरीके से मारा जाए, अपने देश के खातिर आने वाले पीढ़ी के खातिर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। जाकर के अंग्रेज कमांडर से कहते हैं साहेब खुदा होती है, साहेब अभी अभी छुटना मिला है, आगे गंगा नदी में पानी कम है, मिर्जापुर की पहाड़ियां हैं, आगे नाव नहीं जाएगी, आज भी फंस जाओगे, हम लोग फंस जाएंगे। योजना बनाते हैं बाढ़ का समय आएगा, गंगा नदी में बाढ़ रहेगा, तब इनको मारेंगे, अंग्रेज भी अंग्रेज सिपाही बच नहीं पाएंगे। जाते हैं अंग्रेज कमांडर से कहते हैं साहेब नाव आगे नहीं जाएगी, कमांडर से कहता है और नाव आगे नहीं जाएगी तो चलो नाव ले चलो वापस बिठूर, नाव चली जाती है, फिर वहां से बिठूर, बिठूर आने के बाद समाधान लोचन निषाद की अगुवाई में जो नाव चलाने वाले लोग थे उन्होंने कहा देखो पहले पंचायत कर लो अंग्रेज गद्दारों को कैसे मारना है। एक बैठक करते हैं, उन्होंने कहा कि देख लो जो अपने अपने जो आप गांव नैया है उसमें आप लोग टांगी रखे हो उसको टांगी नहीं टांगा मजबूत 5-5 किलो का कर लो, इनको बोलना है इनको मारना है तो कुछ बोलना नहीं है। सारे नाविक सारे उन्होंने समझाया जो सारे नाविक होते थे पहले पगड़ी बांधते थे, पघारा जिसको कहते थे, पहले पगड़ी बांधते थे, उन्होंने कहा कि देखो अगर इनको मारना है तो मुझसे कुछ बोलना नहीं है, जब हम नाव में बीज भरा लेकर के जाएंगे और उस पगड़ी को खोल के ऐसे हवा में लगाएंगे इसे क्या समझना सिग्नल, क्या समझना सिग्नल समझना, और जैसे सिग्नल को देखना अपना नाव में रखा हुआ टांगा जाके जोर से धमाका मारना और ये भी साथ पटरा टूटना चाहिए, जिसका पटरा नहीं टूटेगा उसको गद्दार समझा जाएगा, उसको हम लोग जिंदा मार डालेंगे। साथियों पूरी योजना बन जाती है, योजना बजने के साथ साथ सावन भादो का महीना आता है, बरसात होती है, बरसात होने के बाद गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। समाधान निशान लोचन निशान सोचते हैं अब अच्छा समय आ गया है और एक भी अंग्रेज सिपाही बच नहीं पाएंगे। समाधान निशान लोचन निशान ने कहा साहेब हमने आपसे वादा किया था कलकत्ता पहुंचाने के लिए और गंगा नदी में बाढ़ आ गया है, कुछ नाए हम चलाएंगे कुछ नाए अपने आप चलेगी, वो 2 दिन का रास्ता है 1 दिन में तय हो जाएगा। साथियों सारे नाविक जो है कानपुर के जाके एक घाट है सती चौरा घाट, जिसके बाद घाट के नाम से जाना जाता है, उसको कतले याद कहते हैं हिंदी में,
उसी संसदी का आधार के समाधान हिसाब लेकर हिसाब की अगुवाई इसी गांव के लोग रहने वाले थे। उन लोगों ने सोचा ये जो देश ये अंग्रेज हमारे देश लूट के लेकर जा रहे हैं, इनको क्यों न अपने गांव के सामने मारा जाए, क्यों न अपने गांव के सामने मारा जाए। साथियों योजना के मुताबिक जब नार कानपुर से चलती है थोड़ा आगे छत्ती चौरा घाट है तो धीरे 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 एक भी अंग्रेज सिपाही को कान कान पता नहीं चलता है यहाँ क्या घटना घटने वाली है। समाधान निषाद आगे लोचन निषाद पीछे अपनी नाय को लेकर के धीरे धीरे बीच धारा में जाते हैं। बीच धारा में जाने के बाद जब खड़ा होकर देखते हैं कि अब एक भी अंग्रेज सिपाही यहाँ बच नहीं पाएंगे तो योजना के मुताबिक अपनी पकड़िया को खड़ा होते हैं, लंगर पे खड़ा होकर के अपनी पकड़िया को हवा में लगाते हैं और सारे नाविक इशारा पाते हैं। इशारा पाते ही जो नाव में टांगा रखा होता है उसको उठा करके चोर चार धमाका मारते हैं। एक ही बार में पकड़ टूट जाता है, सारे अंग्रेज सिपाही की भूख करके मर जाते हैं। साथियों उसमें से एक ब्लैक स्मिथ नाम का कमांडर और एक सिपाही बच जाता है। उस समय रानी विक्टोरिया का शासन था। रानी विक्टोरिया के पास उदारी विक्टोरिया का शासन था। रानी विक्टोरिया के पास संदेशा भेजता है, अरे महारानी जी जो नाव चलाने वाले निषाद थे वे हमारी बड़ी सेवा करते थे, बड़ी बात मानते थे। अचानक इनको पता नहीं क्या हो गया कि अपने नैया को तोड़ करके हमारे 3000 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत भयानक घटना घटी है, अब हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम इस देश को छोड़कर भागेंगे। रानी विक्टोरिया ने कहा, दुनिया के इतिहासकारों को बुलाया, आखिर ये जो नाव चलाने वाले निषाद थे ये क्यों पागल हो गए हैं, क्यों हमको मार रहे हैं। तो रानी विक्टोरिया ने दुनिया के इतिहासकारों को बुलाया। दुनिया के इतिहासकारों को बुलाने के बाद इतिहासकारों ने बताया अरे महारानी जी ये जो इतिहासकारों ने बताया महारानी जी इस देश में इतिहासकारों ने पता किया इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। इस देश का प्राचीन नाम था निषाद था। इस देश में निषादों का शासन था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ आज देश का क्या नाम है? भारत। क्या नाम है आज देश का? क्या नाम है? भारत। जब अंग्रेज आए इस देश का नाम पड़ा इंडिया। जब ब्रिटिश में कानून बनता था इस देश का नाम पड़ा ब्रिटिश इंडिया। जब इस देश में आर्य आए इस देश का नाम पड़ा आर्यभारत। और इस देश में जब मुगल आए इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। और जब हूर संगमन आए इस देश का नाम सिंधु घाटी पड़ा। मतलब अमेरिका का एक नाम है, चीन का एक नाम है, जापान का एक नाम है, नेपाल का एक नाम है, और आपके इस देश का अनेक नाम क्यों है? मेरे कहने का मतलब है जो भी विदेशी जो भी आक्रमणकारी इस देश में आए और जो भी अपना बदलते चला गया तो सबसे पहले कोई नाम था नहीं नाम था सबसे पहले के इस देश के मालिक थे, राजा थे, इस देश का नाम भी निषाद देश था। क्या नाम था बोलना पड़ेगा, क्या नाम था? तो हम लोग जय निषाद राज बोल रहे हैं, यह जाति का नारा है कि देश के नाम का नारा है? देश के नाम का नारा है कि नहीं नारा है? यह नारा कमजोर होना चाहिए, तेज होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, तेज होना चाहिए। जय निषाद राज। तो मैं आपको बता रहा था, इतिहासकारों ने बताया कि यह देश निषादों का है। साथियों सती चौरा घाट के रहने वाले लोग थे, अपने सिपाहियों के माध्यम से कानपुर में भेज करके 167 निषादों को पकड़वा लिया जाता है। पकड़वाने के बाद 27 जून के दिन 1857 167 निषादों की कच्ची फांसी पे लटका दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे 167 निषादों को कच्ची फांसी दे दी जाती है, अपने लिए लड़े थे कि देश के लिए लड़े थे? बोले भाई देश के लिए फांसी पे चले गए चले तुम महान आत्माओं। मैं चाहता हूँ पर जोरदार तालियों से साथ होना चाहिए। साथियों 1860 में लंदन के पार्लियामेंट में इसी पर नामक सांसद ने कहा, एक बयान आया कि डॉक्टर के वहां डॉक्टर इंजीनियर के वहां वकील, चोर के वहां चोर, डाकू के वहां डाकू, बदमाश के वहां बदमाश पैदा होते हैं। ये निषाद बदमाश जाति के हैं, ये बदमाश जाति के हैं, इनको कानून बना के उजाला जाए। साथियों 12 अक्टूबर 1871 में इस देश का काला कानून बनाया गया।
काला कानून बनाया गया हमारे लिए, हमारे लोगों को जो निशान लिखते थे उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद किया गया। चार चार कानून बनाया गया, नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट 1877, नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज एक्ट, नॉर्दर्न इंडिया जो है माइनिंग एक्ट, और कानून ला करके हमको उतार दिया गया। साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, 1947 में, 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, इस आजाद भारत में भी जो उस काले कानून के हित में आ गए थे वह 5 साल 16 दिन भी इस आजाद भारत में हमारे लोग जेलों में बंद थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हैं उनको सही का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और 27 जून के दिन छत्तीसगढ़ घाट में विशाल पार्टी उन शहीदों को याद करिए, छत्तीसगढ़ घाट में उनके शहादत दिवस मनाती नहीं मनाती है, मनाती नहीं मनाती है, वहाँ 27 जून को हमको वहाँ चलना है नहीं चलना है, उस मेले में उस शहादत दिवस में शामिल होना नहीं होना है। साथियों एक घटना बताना चाहता हूँ, 1919 की घटना है, जलियांवाला बाग इसको कहता था, वहाँ जाल बीनने जाता था, जाल बीनने वाले बाग को जलियांवाला बाग कहा जाता था। उसमें पंचायत हो रही थी, पंचायत हो रहा था कि कैसे हमारा देश आजाद होगा। अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेजों अपने सेना को भेजता है, जनरल डायर को पता चल गया और अपनी सेना को भेजता है, 1919 की घटना है, और जलियांवाला बाग वहां अंग्रेज सिपाही जाते हैं और धाचा 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 सारी गोलियों से सारे लोगों को वहां पर मार दिया जाता है और सारे लोगों को वहां पर जो है धराशायी हो जाते हैं। एक उधम सिंह नाम का बच्चा पंजाब पर आने वाला जो पानी पिलाने के लिए पानी लेने चला गया, जब लौट के आता है तो देखता है सारे लोग लहू लुहान पड़े हुए हैं, मांस के लोथड़े चिकड़े और सारे लोग करा रहे हैं। वह 11 साल का बच्चा था, उसके पास समझ में नहीं आई, प्राण निकलने वाला था, उसके पास जाते हैं पूछते हैं, अरे भाई ये घटना कैसे घटी है। वाला जी ने कहा, जब ये घटना जो है अंग्रेज सिपाहियों ने यहाँ पर गोली चलाया है, अंग्रेज सिपाही गोली चलाए हैं, उन्होंने कहा अंग्रेज सिपाही चलाए हैं, फिर किसके काने पर गोली चली है, किसके काने पर गोली चली है। तो हम बताते हैं कि जनरल डायर के काने पर गोली चली है। उधम सिंह नाम का बच्चा कोई कसम खाता है, जनरल डायर दुनिया के किसी भी कोने में होगा जब तक अपने फुटों का मैं बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों भोलेनाथ का बच्चा, भोलेनाथ का बच्चा जाता है बॉम्बे, जाता है बॉम्बे, रंग नहाने के बहाने अंग्रेजों का रोटी डबल रोटी केला का ठीका खाने के बहाने नाम में बैठ जाता है, उस नाम में बैठ करके लंदन जाता है। लंदन जाने के बाद वहां एक माली को मार जाता है, माली उसे पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसकी खूब सेवा करता है, उसकी सेवा जारी करता है और माली का दिल जीत लेता है। जब माली का दिल जीत लेता है तो एक दिन कहता है, एक दिन कहता है साहब मुझे जनरल डायर को देखना था। उसका माली बोला, चुप, जनरल डायर इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, उससे तुम मिल नहीं सकते हो, उसकी शासन सत्ता पूरी दुनिया पे चलती है और तुम जनरल डायर से मिलने की बात कर रहे हो। कहे साहेब नाम सुना था इसीलिए देखने के लिए मन कर रहा था। वह जीत कर लेता है, कह साहेब कुछ भी हो जाए क्योंकि मालिक का दिल जीत लेता है। तो मालिक कहता है ठीक है, परमिशन लेने जाऊंगा और परमिशन मिल जाएगा तो मैं तुमसे जनरल डायर से मिलवा दूंगा। साथियों उससे उन्होंने कहा कि जनरल डायर से मिलने के लिए गाड़ी लेके चलना होगा। उन्होंने कहा साहब मुझको चल छूट फूट टाई सिखा दो और मुझे चलना सिखा दो। उसके बाद
जनरल डायर का मीटिंग लगती है लंदन के पार्लियामेंट में, उसका मालिक जाता है, परमिशन लेता है और परमिशन मिल जाता है। परमिशन मिलने के बाद उसका मालिक आकर के कहता है जो है जनरल डायर की मीटिंग लग रही है और मीटिंग में उनको चलना होगा। उधम सिंह के नाम का बच्चा उसका मालिक दूसरे दिन जाता है मार्केट में, अपने मालिक के कमरे में घुस जाता है, घुसने के बाद अपने मालिक के आजादी से रिवाल्वर निकाल लेता है। रिवाल्वर निकालने के बाद उस रिवाल्वर को एक छोटी सी डायरी लेता है, डायरी डायरी का पहला पन्ना जो है जो पहला पन्ना होता है उसे लेके और रिवाल्वर का एक निशान बना करके पूरा पन्ना निकाल लेता है। उसमें कुछ खाली जगह पर रिवाल्वर रख करके उसमें छुपा लेता है, कोई समझ नहीं पाता है। और जैसे सुबह होती है उसका मालिक कहता है चलो समय आ गया है, जनरल डायर से मिलने का तैयार हो जाओ। साथियों कुछ डायरी में रिवाल्वर को छुपा करके और अपने मालिक के साथ लंदन के पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। वहां पर मजमा लगी थी, भीड़ लगी थी, वहां पर दर्शक दीर्घा होता है, जैसे स्पीकर बोलता है अभी जनरल डायर आने वाले हैं, जनरल डायर आने वाले हैं, सारे लोग सावधान हो जाओ। और जैसे ही उधम सिंह सुनता है मेरा दुश्मन मेरे पूर्व कमराती आने वाला है, जैसे ही दूसरी बार जैसे ही स्पीकर अनाउंस करता है जनरल डायर मंच पे आ रहे हैं, पीछे खड़े देखा जैसे नजर पड़ी जनरल डायर के ऊपर जो रिवाल्वर